नमस्कार दोस्तों, मैं नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। और आज हम आपको बताने वाले हैं सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी शहर आप कैसे जाएंगे और यहाँ का एयरपोर्ट क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, यहाँ के एयरपोर्ट के बारे में जानकारी देने वाला। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के सिलीगुड़ी शहर, जहाँ पे अधिकतर लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ रहती है। और इसे जो है बगदोदरा एयरपोर्ट भी कहते हैं, जो कि देख सकते हैं ये एयरपोर्ट का मेन गेट है, जहाँ से आप इन करेंगे। और यहाँ से इन करने के बाद पार्किंग का आपको बाहर ही मिल जाएगा, जहाँ पे आप पार्क वगैरह गाड़ी वगैरह रख सकते हैं। यहीं से टर्मिनल में आप जाना पड़ेगा आपको, टर्मिनल वन ही है, यहाँ पे दो टर्मिनल नहीं है, वन ही है, जो कि सिलीगुड़ी में है। और ये आपको बता दें कि हब है स्पाइस जेट को, फास्ट इंडिगो, इन सभी चीज़ों का। तो ये 16 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है सिटी से, सिलीगुड़ी सिटी से, जो कि एयरपोर्ट के अंदर हमेशा लोगों की जनसंख्या रहती है। आप देख सकते हैं बोर्डिंग पास मशीन और फ्लाइट वगैरह सब कुछ आप एयरपोर्ट के अंदर ही आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्र में एयरपोर्ट को बनाया गया। अभी और भी ज़्यादा जो है इसमें विकसित किया जा रहा, और भी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा। इसका रनवे की बात करें तो ये पेड है। इसके साथ साथ मैं बात करें इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई तो 9000 फीट है दोस्तों। और यहाँ से आप गो एयर और फिर एयर इंडिया, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, स्पाइस जेट, इन सभी चीज़ों से लेके आप दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, इन सभी जगह पे आप जा सकते हैं, जो कि हमेशा यहाँ से फ्लाइटें चलती रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब कभी भी आप जाते हैं तो फ्लाइटें हमेशा मिल जाएगा। फ्लाइट के अंदर जाने के लिए आपको, एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए आपके पास जो है कार्ड होना चाहिए, साथ में टिकट, उसके साथ साथ में एक आईडी प्रूफ, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। अंदर आपको इस तरीके से बहुत सारी बसें देखने को मिल जाएगी, ये बाहर का हिस्सा जहाँ से आप इन करेंगे। तो अंदर जाने के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। और जब कभी आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो आपको बता दें कि बाहर निकलेंगे तो टैक्सी वगैरह जो ये सामने लगी हुई इस तरीके से प्राइवेट गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, जो कि यहाँ से सिटी की ओर छोड़ती है, और ज़्यादा पैसा भी आपको नहीं लिया जाएगा। एंड अगर आपको प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं करना तो आप किसी को बुला भी सकते हैं। तो ये है, कुछ दूरी पर मौजूद है, 16 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, जो कि आप पैदल भी जा सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया, जहाँ पे एटीएम का सुविधा मिल जाएगा, साथ साथ में अलग अलग जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेस्टोरेंट, तो सारी चीज़ें अंदर ही है व्यवस्था। स्मोकिंग रूम मिल जाएगा, चाइल्ड केयर मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो ये सारी व्यवस्था आपको एयरपोर्ट के अंदर ही मिल जाएगा। खाने पीने का, बोर्डिंग पास का मशीन लगाया गया अलग अलग, चेक इन का काउंटर अलग अलग है, साथ साथ में यहाँ पे और भी चीज़ें जो है वो विकसित किया जा रहा है, जिसके ज़रिए आप और भी देख सकते हैं। तो सिलीगुड़ी जाके आप सिकिंग वगैरह घूम सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग भी जाते हैं। देखिए ये चेक इन काउंटर है, जहाँ पे बैग वगैरह, लगेज वगैरह चेक होता है। और ये बाहरी हिस्सा में आप देख सकते हैं विजिटर एंट्री टिकट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि अगर आप जाना चाहते हैं तो घुस सकते हैं। असिस्टेंट टर्मिनल मैनेजर का है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, सारा काउंटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये गो एयर का देख सकते हैं फ्लाइटें हैं, तो अलग अलग फ्लाइटें यहाँ पे लगी हुई रहती है, तो सारी फ्लाइटें आपको यहाँ से मिल जाएगा। इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, गो फास्ट, या फिर डर्कलिन, या फिर एयर इंडिया, एयर एशिया, ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सिलीगुड़ी का पूरा जो है आप देख सकते हैं, अंदर में इस तरीके से लोग आते हैं, जब वो फ्लाइट से आते हैं तो उतरते हैं तो बाहर की ओर, साथ साथ में बेल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेयर, वो आप वहाँ से बेल्ट भी कलेक्ट कर सकते हैं। और ये लोगों की जनसंख्या देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं, ये एंट्रेंस गेट है जहाँ से लोग आ रहे हैं बाहर की ओर। और ये पूरा नज़ारा देखिए, यहाँ पे अलग अलग काउंटर बनाया गया, एयर एशिया एंड सब कुछ। और ये बाहर में जहाँ पे आपको गाड़ी वगैरह व्यवस्था मिल जाती है बाहर निकलने के बाद, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। ये बाहर एग्जिट पॉइंट था, यहाँ पे एरो के सारे भी बताए गए कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, तो उसके सारे भी आप देख सकते हैं। गार्ड जगह जगह पर लगी हुई रहती है, और कभी भी आप जाते हैं तो यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। ये पूरा जानकारी था सिलीगुड़ी एयरपोर्ट का, कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। ये था बगदोदरा विमान क्षेत्र, जो कि एक तरह से डोमेस्टिक फ्लाइटें यहाँ से चलती हैं। इंडिया का कोई भी जगह पे जाना है तो यहाँ से आप चेंज करके ले सकते हैं टर्मिनल से, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से फ्लाइटें ले सकते हैं और घूम सकते हैं। जो पूरा नज़ारा था, ये जानकारी था हमने आपको दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये पूरी जानकारी था दोस्तों सिलीगुड़ी एयरपोर्ट का, जो कि इंडियन एयरफोर्स इसका ओनर है, एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। सर्विस की बात करें तो सिलीगुड़ी के अगल बगल सबको ये किया जाता है। तो ये है पूरा जानकारी। इसका कोड की बात करें दोस्तों तो BWBD है, और IATA कोड की बात करें तो IXB, जब भी आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। सेन हवाई अड्डा है ये पूरी तरीके से।